हाय स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक, जो हम लोग जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। अब तक जो पढ़ाई हो चुकी है, हमने आपको पहले ही बताया था कि कार्बन एंड कंपाउंड में, कार्बन और कार्बन के यौगिक में हाइड्रोकार्बन के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का है, एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। ये दो है, इसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त, इसको बोलते हैं संतृप्त। ये पहले, इससे पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और वीडियो ऑलरेडी पांडे क्लासेस कोलकाता में है। तो जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और इसका बेनिफिट लें। तो आज हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वह है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन और कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि यस सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो हम लोग क्या पढ़ लेंगे, जनरल जो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन माने साधारण जो भाषा का, जो हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। इसके बाद यह मालूम है कि हम लोग सैचुरेटेड इसमें आता है, सैचुरेटेड में हम लोग पढ़ चुके हैं एल्केन आता है, एल्केन ये सैचुरेटेड है जिसमें हम लोग मेथेन एनी लास्ट में रहेगा, ये हमने बता चुका है। अनसैचुरेटेड में आता है एल्कीन एंड एल्काइन, ये चीज आते हैं। तो इसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन कंपाउंड के बीच में, एलिमेंट माने एटम के बीच में। तो जनरल फॉर्मूला का मतलब है कि जैसे हमारे पास क्या पार्ट हुआ, तीन पार्ट हुआ, नंबर एक एल्केन, दूसरा हमारे क्या है एल्कीन, और तीसरा क्या हो गया एल्काइन। ये तीन पार्ट हुए और तीन पार्ट में इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक, क्लियर होगा। नंबर दूसरा है कि एल्कीन, इसमें क्या होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, क्लियर। और तीसरा जो है एल्काइन, यह कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम समझ जाएंगे एल्काइन है। तो एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं कि यदि एल्केन होगा तो लास्ट में जो भी नाम आएगा, एल्केन कौन सा होगा जिसमें ईएनई लास्ट में होगा, याद रहे ये सफिक्स होता है, ठीक है, ये क्या है और इसमें क्या होगा लास्ट में ईएनई होगा और एल्काइन में लास्ट में वाई एन ई होगा। अब ये समझते हैं कि जनरल हमने फॉर्मूला बताया है तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है, कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा कि इसका नाम लिखिए, कार्बन कंपाउंड दिया रहेगा तो उसमें हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, तो एक जनरल फॉर्मूला आपके पास रहेगा तो बना लोगे। तो जनरल फॉर्मूला जी एफ हम लोग लेते हैं शॉर्ट में, इसके लिए होता है सी एन एच टू एन प्लस टू, वेयर एन इज द नेचुरल नंबर, वन टू थ्री जैसा है वह, क्लियर। ये जनरल फॉर्मूला है किसके लिए, एल्केन के लिए। इस तरह से इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका होता है सी एन एच टू एन, यह इसका, यह होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला। तीसरा आपका आएगा जो सी एन एच टू एन माइनस टू, यह इसका एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है। अब इसको याद रखने का यह क्यों जरूरी है जनरल फॉर्मूला, जब तक जनरल फॉर्मूला आपके पास नहीं होगा तब तक आप हाइड्रोजन एटम कितना होगा, यदि कार्बन कंपाउंड मान लीजिए नंबर ऑफ एटम दिया रहे तो हाइड्रोजन उसमें कितना होगा वो कैसे पता चलेगा, तो इस फॉर्मूला के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे मान लीजिए एक एल्केन में मान लीजिए सी इज इक्वल टू पांच है सपोज, तो हाइड्रोजन कितना होगा भाई, हाइड्रोजन होगा टू एन प्लस टू फॉर्मूला के अनुसार, तो क्या होगा टू इंटू एन क्या है फाइव प्लस टू कितना हो गया टेन प्लस टू मतलब ट्वेल्व एटम होगा,
सिमिलरली चलिए देखते हैं, सी इक्वल टू मान लीजिए फोर रहे तो एच इक्वल टू क्या होगा, तो टू इंटू फोर प्लस टू मतलब एट प्लस टू इक्वल टू टेन। आई होप ये सभी क्वेश्चन में आया होगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन एराइज होता है कि यदि कोई भी कंपाउंड्स में यदि कार्बन यदि फोर होता है तो उसमें आपका जो हाइड्रोजन एटम कितना होगा, या समटाइम्स यह होता है कि हाइड्रोजन एटम दिया रहता है तो उसमें हमें कार्बन एटम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चंस एराइज हो सकता है। तो ये समझने की बात है, यहाँ याद करके कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास क्या जनरल फॉर्मूला है, तभी हम इसको बना सकते हैं। अब आइए, आई होप ये समझ में आई होगी आपको। नंबर दूसरा है एल्केन, सपोज अब जैसे मान लीजिए हमने कार्बन दिया था तो ये हमने हाइड्रोजन निकाला था, चलिए एक और डिस्कस करते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि कार्बन है, अरे हाइड्रोजन है मान लीजिए, फोर्टीन है मान लेते हैं, एक ऐसा एल्केन है जिसमें हाइड्रोजन 14 है, तो कार्बन कैसे पता चलेगा, ये भी एक तो कैसे पता चलेगा, तो एक 14 है तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, 2n प्लस 2 इक्वल टू 14 दिया हुआ है, सिंपल मैथ्स है, तो ये क्या होगा 2n इक्वल टू 14, ये 2 इधर आएगा तो माइनस 2, तो 2n इज इक्वल टू क्या होगा 12, और n इक्वल टू क्या होगा 12 बाई ए टू कैंसिल होगा 6, माने कार्बन कितना होगा 6। अब इसको ऊपर रिवर्स करके देखिए कि सही है नहीं, तो इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे 6 कार्बन 6 है तो क्या होगा 6 टू या 12 प्लस 2 14 आ रहा हाइड्रोजन, क्लियर। तो ये है आपका एल्केन के लिए, तो ये मान लीजिए एल्केन के लिए समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से हम लोग एल्किन के बारे में समझते हैं कि यदि कार्बन है तो उसमें हाइड्रोजन कितना होगा, इसके बारे में। तो देखिए जैसे मान लीजिए कार्बन है यहाँ पे मान लेते हैं 3, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, डबल होगा दिया ही हुआ है, तो हाइड्रोजन क्या होगा 3 × 2 इज इक्वल टू 6, सिंपल से। इस तरह से कार्बन यदि 5 है तो हाइड्रोजन कितना होगा 2 × 5 इक्वल टू 10, ये तो बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। थर्ड जो पार्ट है एल्काइल के रूप में, कि इसमें हाइड्रोजन मान लीजिए कार्बन दिया हुआ है, कार्बन है मान लेते हैं 4, तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो हाइड्रोजन क्या फॉर्मूला है हमारे पास 2n-2 मतलब 2 × 4-2 इज इक्वल टू 8-2 इक्वल टू 6, इसमें हाइड्रोजन 6 होंगे। तो यदि मान लीजिए कार्बन हमारे पास 4 की जगह पे मान लेते हैं C इक्वल टू 6 है तो कितना होगा, ये देखते हैं, तो हाइड्रोजन क्या है 2 × 6-2 तो 12-2 10। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कार्बन दिया रहेगा तो हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, और हाइड्रोजन सिमिलरली जैसे यहां निकाले थे कि मान लीजिए हाइड्रोजन दिया हुआ है, क्या है हाइड्रोजन मान लेते हैं दिया हुआ है 8 दिया हुआ, मान लेते हैं 8 दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो C इक्वल टू क्या होगा, इस फॉर्मूला में हाइड्रोजन दिया है जब तो क्या है कि 2n-2 इक्वल टू 8, तो 2n इक्वल टू क्या होगा 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, और n इक्वल टू 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हाइड्रोजन जब रहेगा तो कार्बन निकाल सकते हैं, और कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, और यह आई होप यह एल्केन कैसे नहीं बनता है, कैसे इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, और कैसे हाइड्रोजन कैसे डिटरमाइंड होगा उसके बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद एल्किन हमने समझाया, तो ये क्या है कि आपका नाम दिया रहे या कार्बन कंपाउंड दिया रहे तो उसमें हाइड्रोजन कितना होगा, अब ये नहीं कि बैठ के अब उसमें डायग्राम बनाने लगे, एक लंबा चैन बनाए तब पता चलेगा, तो ऐसी कुछ भी नहीं है, जस्ट ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है और हमें हाइड्रोजन आराम से निकल जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बना करके दूंगा। थैंक यू।